हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस सीएल पब्लिक स्कूल नारनौल। बेटा प्रीवियस वीडियो में हमने सीरीज के कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन किया कि किस तरीके की सीरीज होती हैं। आज हम पढ़ेंगे कि सीरीज में लॉजिक किस तरीके से यूज किए जाते हैं, किस तरीके से किसी सीरीज का पता लगाया जाता है। तो सबसे पहले तो सीरीज के क्वेश्चन टू डिफरेंट वेज में पूछे जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द मिसिंग नंबर एंड सेकेंड वन इज फाइंड द रॉन्ग नंबर। देखिए जरा, जो फर्स्ट टाइप बनती है यहां क्वेश्चंस की वो बनती है फाइंड द मिसिंग नंबर। सीरीज आपको लिखकर देगा और उसमें क्वेश्चन मार्क का साइन होगा, कहीं ब्लैंक का साइन होगा, और आपको पता करना होगा कि उस ब्लैंक की जगह उस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, ऐसा कौन सा नंबर होगा जो उसको रिप्लेस करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं 1, 8, 27, 64, 125 एंड क्वेश्चन मार्क। व्हाट नंबर शुड कम नेक्स्ट इन द गिवन सीरीज 1, 8, 27, 64, 125, तो इसके बाद क्या आना चाहिए। तो ध्यान से देखिए, क्यूब नंबर से सारे के सारे 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब 4 का क्यूब 5 का क्यूब 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब 5 क्यूब, तो नेक्स्ट क्या आना चाहिए 6 क्यूब। और 6 का क्यूब क्या होता है 216। सो द करेक्ट आंसर इज 216। क्लियर। इसी तरीके से और एग्जांपल ले लेते हैं हम 3, 5, 8, 12, 17 इससे आगे क्या आएगा आप देखो जरा। 3 में कितना ऐड किया गया है 2, 5 में कितना ऐड किया गया है 3, 8 में कितना ऐड किया गया 4, 12 में 5, पहले 2 ऐड किया फिर 3 ऐड किया फिर 4 ऐड किया, तो आगे क्या ऐड करना चाहिए 6। और जब 17 में 6 ऐड करोगे तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा 23। क्लियर। और यहीं पर बेटा जो सेकंड टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं फाइंड द रॉन्ग नंबर। आपको सीरीज लिखकर देगा और आपसे कहेगा कि इस गिवन सीरीज में रॉन्ग नंबर को फाइंड आउट करिए, ऐसा नंबर कौन सा है जो गलत लिखा गया है। फॉर एग्जांपल मैं एक सीरीज लिख रहा हूं 0, 7, 26, 65, 124, 215। सीरीज बिल्कुल आसान 0, 7, 26, 65, 124, 215। व्हाट नंबर इज रॉन्ग इन द गिवन सीरीज, इस सीरीज में ऐसा कौन सा नंबर है जो गलत लिख दिया गया है। तो ध्यान से देखिए, 0 क्या है 1 का क्यूब माइनस 1, 7 क्या है 2 का क्यूब माइनस 1, 26 क्या है 3 का क्यूब माइनस 1, 65 क्या है 4 का क्यूब प्लस 1, 124 5 का क्यूब माइनस 1 एंड 215 6 का क्यूब माइनस 1। हर स्टेप में क्यूब माइनस 1 है लेकिन यहां पर 4 का क्यूब प्लस 1 है, यानी कि गलत नंबर कौन सा हो गया 65। ठीक है ना, इस 65 की जगह आना क्या चाहिए था 63। और एक एग्जांपल देख लो, मैं एक एग्जांपल लिखता हूं 16, 1, 52, 63, 94, 36, 18 61, 52, 63, 94, 36, 18।
गिवन सीरीज में कौन सा नंबर गलत है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इनको उल्टा कर दो सभी नंबर्स को। 61 का अपोजिट करोगे तो 16, 52 का अपोजिट 25, 63 का अपोजिट 36, 94 का अपोजिट 49, 36 का अपोजिट 63, 18 का अपोजिट 81। क्लियर? और अभी सारे नंबर देखो एक्सेप्ट 63, ऑल नंबर्स आर स्क्वायर नंबर्स। 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, यहां 8 का स्क्वायर आना चाहिए था 64, एंड देन 9 का स्क्वायर 81। तो इस तरीके से हमें टू डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फाइंड द मिसिंग नंबर एंड फाइंड द रॉन्ग नंबर। और बेटा इसमें क्वेश्चन भी दो अलग अलग तरीके के हैं। पहले हमसे नंबर सीरीज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें मैथमेटिकल डिजिट्स का यूज किया जाता है, जो अभी तक हमने क्वेश्चंस किए हैं। और एक जो सेकंड टाइप बनती है वो यहां पर बनती है लेटर सीरीज की, जिसमें इंग्लिश अल्फाबेट्स को, ए टू जेड अल्फाबेट्स को यूज किया जाता है। ठीक है, दूसरी बात सीरीज को हमें पहचानना कैसे है? जब मान लीजिए आप सीरीज कर रहे हैं, आपके सामने कोई सीरीज लिखी है, तो आप करेंगे क्या, उस सीरीज को देखिए, अगर वो सीरीज धीरे धीरे बढ़ रही है तो उस सीरीज में क्या किया गया होगा, एडिशन किया गया होगा। वो सीरीज जो बेस्ड होगी वो किस पर होगी, एडिशन बेस्ड होगी। और वहीं अगर सीरीज बहुत तेजी से बढ़ रही है तो उस सीरीज में मल्टीप्लीकेशन का यूज किया गया होगा। प्रीवियस क्लास में भी हमने कुछ डिस्कस किया था इस बारे में। अगर सीरीज बहुत आराम आराम से बढ़ रही है तो वहां पर हम एडिशन करके देखेंगे, अगर सीरीज तेजी से बढ़ रही है तो मल्टीप्लीकेशन करके देखेंगे। अब मैं सबसे पहले उन सीरीज की बात करता हूं जो एडिशन पर बेस्ड है, प्लस बेस्ड सीरीज जिन पे जो डिफरेंस पे बेस्ड है, जो धीरे धीरे बढ़ती है, उनको कैसे सोल्व किया जाता है, उनमें क्या क्या लॉजिक्स यूज किए जाते हैं। तो फर्स्ट लिखता हूं मैं प्लस बेस, ऐसी सीरीज जो एडिशन पर बेस्ड है। ओके, प्लस बेस में सबसे पहला जो लॉजिक बनता है ना बेटा, वो बनता है सेम नंबर का, सेम नंबर। सेम नंबर का मतलब प्लस वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन एंड सो ऑन। और इस प्लस वन का मतलब ये नहीं कि हमेशा वन ही ऐड किया जाएगा, कि आपसे क्वेश्चन में दिया जाए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और आपसे पूछा जाए नेक्स्ट टर्म क्या होगी। इसका मतलब क्या है देखो जरा एग्जांपल, मैं यहां पर एग्जांपल लिख देता हूं 57, 110, 163, 269, and what is the next term? 57, 110, 163, 216, 269. तो यहां नेक्स्ट नंबर क्या होगा? देखो सीधी सी बात है, सबसे पहले तो हमें करना क्या है, सीरीज की ग्रेटेस्ट टर्म्स के अंदर जाना है। 216 पे अगर मैं जाता हूं तो क्या 216 का यहां डबल किया गया है? नहीं, 216 का डबल लगभग 432 होगा, जबकि ये तो 300 भी कंप्लीट नहीं है। तो यहां पर सिर्फ आपको क्या करना है, डिफरेंस करके देखिए। और जब यहां डिफरेंस करोगे तो क्या किया गया है, प्लस 53। क्लियर? इसी तरीके से 163 और 216 का डिफरेंस निकालोगे तो यहां भी 53 का डिफरेंस है। 110 एंड 163 यहां भी 53 का डिफरेंस है, और 57 और 110 यहां भी 53 का डिफरेंस है। हर जगह 53 का डिफरेंस है, तो लास्ट में भी आप क्या करोगे, प्लस 53। तो यहां पर क्या आ जाएगा, 3, 2। क्लियर बेटा? फिर इसके बाद सेकेंड लॉजिक हमारे पास बनता है नेचुरल या होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स या फिर होल नंबर्स। कहने का मतलब प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर एंड सो ऑन। पहले प्लस वन किया गया, प्लस टू किया गया, प्लस थ्री किया गया, प्लस फोर किया गया। और ये भी जरूरी नहीं है कि वो वन से ही स्टार्ट करे, कहीं से भी स्टार्ट कर सकता है, लेकिन नेचुरल नंबर और होल नंबर्स आपको पता होने चाहिए। नेचुरल नंबर्स विच स्टार्ट फ्रॉम वन एंड होल नंबर्स विच स्टार्ट फ्रॉम जीरो, दोनों में बहुत छोटा सा ही डिफरेंस है कि होल नंबर जीरो से स्टार्ट होते हैं और नेचुरल नंबर वन से स्टार्ट होते हैं।
फॉर एग्जाम्पल मैं एक क्वेश्चन आपके लिए लिख देता हूं यहां पर, 3, 7, 12, 18, 25, 33 एंड व्हाट शुड बी द नेक्स्ट नंबर। 3, 7, 12, 18, 25, 33 और क्या होगा, तो देखो जरा 3 में कितना ऐड किया गया, प्लस 4, 3 और 4, 7, 7 में कितना ऐड किया गया, प्लस 5, 7 और 5, 12, 12 में कितना ऐड किया गया, 6, 12 and 6, 18, 18 में कितना ऐड किया गया, 7, 25 में कितना ऐड किया गया, 8, 33 बन गया, और 33 में कितना ऐड किया जाएगा फिर, 9, जब 33 में 9 ऐड करोगे तो आपके पास आंसर क्या बन जाएगा, 42, यानी कि नेचुरल नंबर इसे तो थे 4, 5, 6, 7, 8, तो आगे आएगा 9। कुछ बड़ी टर्म्स का भी यूज कर सकता है यहां पर लिख दे 31, 32, 33, 34, 35, 36, इस तरीके से भी डिफरेंस कर सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहला हमने पढ़ा सेम नंबर और दूसरा नेचुरल नंबर या होल नंबर। थर्ड जो बनता है बेटा इसमें वो बनता है इवन नंबर, इवन नंबर। इवन नंबर्स कौन से होते हैं, द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2, कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2, ठीक है ना, जैसे प्लस 2, प्लस 4, प्लस 6, प्लस 8, प्लस 10 एंड सो ऑन, ठीक है ना। इवन नंबर्स को ऐड कर दे, फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर लिख देता हूं 2, 6, 12, 20, 30, what should be the next number? 2, 6, 12, 20, 30 and what should be the next number? तो आप देखो जरा 2 में कितना ऐड किया गया, प्लस 4, 6 में कितना ऐड किया गया, 6, 12 में कितना ऐड किया, 8, 20 में कितना ऐड किया, 10, है कि नहीं इवन नंबर्स, 4, 6, 8, 10, तो आगे कितना ऐड होगा, 12, और जब 30 में 12 ऐड करोगे तो हमारे पास करेक्ट जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, 42, क्लियर। इस तरीके से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इन लॉजिक्स के अलावा, जो लॉजिक मैं आपको लिखवाऊंगा इनके अलावा कोई नया लॉजिक कहीं भी यूज नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट लॉजिक बेटा जो प्लस बेस सीरीज में बनता है बेटा, वो बनता है ओड नंबर्स। ओड नंबर्स कौन से होते हैं, द नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2, लाइक +1, +3, +5, +7, +9 एंड सो 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, इस तरीके के नंबर क्या कहलाते हैं, ओड नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल यहां भी आप देख लो 3, 6, 11, 18, 27, 38, व्हाट शुड बी द नेक्स्ट, 3, 6, 11, 18, 27, 38 एंड व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर। जब आप इसके अंदर डिफरेंस करोगे तो 3 plus 3, 6, 6 plus 5, 11, 11 plus 7, 18, 18 plus 9, 27, 27 plus 11, 38, तो 38 में कितना ऐड कर दूं, 38, और नंबर है 3, 5, 7, 9, 11, 13, और जब 38 में 13 ऐड करोगे देन द राइट आंसर इज 50। ओके, फिफ्थ जो लॉजिक बनता है बेटा यहां पर वो बनता है प्राइम नंबर्स। क्या होते हैं प्राइम नंबर्स, द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ ओनली।
ऐसे नंबर जो या तो अपने आप से डिवाइड होते हो या सिर्फ वन से डिवाइड होते हो। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है? टू। लाइक प्लस टू, प्लस थ्री, प्लस फाइव, प्लस सेवन, प्लस इलेवन, प्लस थर्टीन, प्लस सेवनटीन, प्लस नाइनटीन, प्लस ट्वेंटी थ्री एंड सो ऑन। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 इस तरीके के जो नंबर्स हैं, ये नंबर्स क्या कहलाते हैं? हमारे प्राइम नंबर। और बेटा एक बहुत बेसिक सा डिफरेंस है देखो दोनों के बीच में, एक तो यहां पर जो डिफरेंस है वो इक्वल नहीं है, यहां पर जो डिफरेंस है वो 2-2 का है। और आपको एक 1, 3, 5, 7 यहां क्या होगा, 2, 3, 5, 7 यहां क्या होगा? देखो अगर मैं स्टार्टिंग के टू नंबर्स को हाइड करता हूं तो 357, 357 दोनों बिल्कुल सेम सीरीज हैं, सिर्फ डिपेंड कर रहा है तो वन और टू पर, जो इन दोनों के बीच में डिफरेंस है वो क्या है, वन और टू। ये सीरीज वन से स्टार्ट हुई है और ये टू से। अगर यहां वन लिखा है तो ये सीरीज किसको फॉलो करेगी? ओड नंबर्स को। और आंसर क्या आ जाएगा? नाइन। और इसी तरीके से अगर यहां टू लिखा है तो यहां पर क्या आ जाएगा? इलेवन, क्योंकि ये किसको फॉलो करेगी? क्लियर? एक बहुत छोटा सा डिफरेंस आपकी सीरीज का आंसर बदल सकता है, तो इसलिए ध्यान रखना है, ठीक है। फिर इसके बाद बेटा जो सिक्स्थ बनता है आफ्टर प्राइम नंबर्स इज स्क्वेयर नंबर्स। ओके, स्क्वेयर नंबर्स क्या होते हैं? किसी भी नंबर को अपने आप से मल्टीप्लाई कर देना। 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4, 16, 5, 25, 6, 36, 7, 49, 8, 64, 9, 81, 10, 100, 11 का 1, 2, 1, 12 का 1, 4, 4, 13, 1, 6, 9, 14, 1, 9, 6, 15, 2, 2, 5। इस तरीके से आपको स्क्वायर नंबर्स याद होने चाहिए और कम से कम 25 तक के स्क्वायर तो आपको याद होने ही चाहिए। और फिर इसके बाद आपको यहाँ पे स्क्वायर नंबर्स दिखाई देंगे। जैसे देखो मैं एक सीरीज लिख देता हूं एग्जाम्पल के लिए कि 2, 3, 12, 37, 86, 167, 288 एंड व्हाट शुड बी द नेक्स्ट नंबर डिफरेंस। देखो अगर मैं लास्ट सम में जाऊं तो 167 का 2 टाइम्स तो यहां किया गया नहीं, 3 टाइम्स भी नहीं किया गया, तो आप डिफरेंस कीजिए। जब 167 और 288 के बीच का डिफरेंस लोगे तो 121 दिखाई देगा आपको, और 121 दिखते ही मेरे दिमाग में क्या आना चाहिए? स्क्वेयर नंबर्स। 11 का स्क्वायर है, फिर 86 और 167 में 81 का डिफरेंस है, 37 और 86 में 49 का डिफरेंस है, 12, 37 में 5 का डिफरेंस है, 25 का डिफरेंस है, 3 और 12 में 9 का डिफरेंस है, और 2 और 3 में 1 का डिफरेंस है। 1, 9, 25, 49, 81, 121 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, तो आगे क्या होना चाहिए? 13 का स्क्वायर, दैट इज 169। और जब इसमें आप 169 ऐड करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 457। क्लियर? तो इस तरीके से हम स्क्वायर नंबर्स को भी सीरीज में यूज कर सकते हैं। बेटा सेवंथ जो लॉजिक हमारे पास बनता है वो बनता है क्यूब नंबर्स। जिस तरीके से हमने स्क्वायर नंबर्स देखे इसी तरीके से डिफरेंस हो सकता है क्यूब नंबर्स का। और क्यूब नंबर्स क्या होते हैं? किसी नंबर को अपने आप से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, एक्स मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई एक्स, ये किसके इक्वल होगा? एक्स क्यूब के, ठीक है। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, तो हम लिख सकते हैं प्लस 1 प्लस 8 प्लस 27 प्लस 64 प्लस 125 एंड सो ऑन। 6 का क्यूब 216। ओके, 8th जो लॉजिक बनता है हमारे पास वो बनता है टेबल। किसी भी एक पर्टिकुलर नंबर की टेबल का डिफरेंस हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिख दूं कि प्लस 7 प्लस 14 प्लस 21 प्लस 28 प्लस 35 एंड सो ऑन।
7 की टेबल है, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35। अगर इससे आगे हमसे स्टेप पूछा जाएगा तो हम कितने ऐड कर देंगे, 7 6 जा 42। क्लियर। फिर इसके बाद बेटा जो नाइन्थ लॉजिक हमारे पास बनता है वो बनता है मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16 प्लस 32 प्लस 64 प्लस 128 प्लस 256 एंड सो ऑन। नंबर्स अपने आप में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16 प्लस 32 प्लस 64 प्लस 128 प्लस 256 प्लस 512 प्लस 1024। यानी कि किसी एक पर्टिकुलर नंबर, 3 का भी हो सकता है, 3 फिर 9 फिर इसके बाद 27 81। और बेटा 10th लॉजिक जो हमारे पास लास्ट लॉजिक बनता है सीरीज में प्लस बेस सीरीज के लिए, वो बनता है प्रीवियस स्टेप। और प्रीवियस स्टेप का मतलब, जैसे मैं एक एग्जांपल लिख दूं इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि 3 5 8 13 21 34 व्हाट शुड बी द नेक्स्ट नंबर, 3 5 8 13 21 34 एंड व्हाट शुड बी द नेक्स्ट नंबर। तो आप देखिए जब मैं प्रीवियस स्टेप्स को ऐड कर रहा हूं, 3 और 5 को ऐड करूंगा तो 8 बनेगा, 8 और 5 को ऐड करूंगा तो 13 बनेगा, 13 और 8 21, 21 और 13 34 एंड 34 और जब 21 को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, 55। क्लियर। तो बेटा इस तरीके से हम किसी भी प्लस बेस सीरीज को सोल्व कर सकते हैं। इन 10 सीरीज के अलावा, इन 10 लॉजिक्स के अलावा प्लस बेस सीरीज में कहीं कोई नया लॉजिक यूज नहीं किया जाता। सबसे पहला हमने पढ़ा सेम नंबर्स। सेम नंबर का मतलब किसी एक ही नंबर को बार बार हर स्टेप में ऐड किया जा रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद हमने पढ़ा नेचुरल नंबर और होल नंबर का डिफरेंस हो सकता है, यानी कि किसी भी एक नंबर से स्टार्ट करके उससे आगे एक एक स्टेप बढ़ते रहे। जैसे किसी नंबर में सबसे पहले 37 ऐड कर दिया, फिर 38, फिर 39, फिर 40, 41, 42, हो सकता है ये 1 से भी स्टार्ट कर दिए जाए। उसके बाद थर्ड जो लॉजिक हमने पढ़ा वो पढ़ा इवन नंबर्स का। इवन नंबर्स में क्या कर सकता है, प्लस 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 14 16 18 20। इसी तरीके से हमने ओड नंबर्स को देखा, ओड नंबर द नंबर व्हिच आर नॉट डिविजिबल बाय 2, यानी कि प्लस 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11। देन हमने देखा प्राइम नंबर्स को, द नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ ओनली, यानी कि प्लस 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 17 प्लस 19 एंड सो ऑन। इसके बाद हमने देखा स्क्वेयर नंबर्स को, जब किसी नंबर को अपने आप से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, स्क्वेयर नंबर्स। तो यानी कि स्क्वेयर नंबर्स का भी सम डिफरेंस हो सकता है बीच में। फिर इसके बाद हमने देखा क्यूब नंबर्स को, अगर किसी नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्यूब बन जाता है, 1, 8, 27, 64, 125। ये स्क्वेयर नंबर्स और क्यूब नंबर्स बेटा आपको याद करने हैं, याद होने चाहिए। फिर इसके बाद किसी भी एक नंबर की टेबल का यूज किया जा सकता है। फिर इसके बाद नाइन्थ लॉजिक हमने पढ़ा मल्टीपल, कि किसी एक पर्टिकुलर नंबर का मल्टीपल उस सीरीज में फॉलो किया जा सकता है। जैसे हमने यहां पर लिखा हुआ 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 और यहां तक लिखकर हमसे नेक्स्ट स्टेप पूछा जाए तो हम 128 का 2 टाइम्स कर देंगे, यानी कि हम 256 ऐड कर देंगे। और लास्ट हमने जो लॉजिक पढ़ा वो पढ़ा प्रीवियस स्टेप 3, 5, 8, 13, 21, 34, यानी कि पिछले स्टेप्स को ऐड करके या पिछले स्टेप्स को यूज करके नेक्स्ट स्टेप को फाइंड आउट करना, ये भी प्लस बेस सीरीज में यूज किया जा सकता है। ओके, अब नेक्स्ट क्लास में हम इसी तरीके से कुछ मल्टीप्लीकेशन के लिए लॉजिक पढ़ेंगे। थैंक यू।